हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और ऐसे नोट्स आपको ना तो यूट्यूब पर मिलेगा, ना आपको आपकी ऑफलाइन कोचिंग में मिलेगा, ना आपको आपकी स्कूल में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं, और अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप फोड़ सकते हैं साइंस में। और फिजिक्स का ये चैप्टर है आपके, और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इन नंबर से संपर्क करके आप हमारे द्वारा ये नोट्स बाय कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम के ऑल चैप्टर हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको उन चैप्टर के नोट्स भी अगर आपको देखने हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है यानी जो विद्युत परिपथ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है आपके, कि ए कंटिन्यूज एंड क्लोज्ड सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डेफिनेशन है, और ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें करंट है, और ये क्या है आपके एमीटर है, और ये आपके प्लग है यानी कुंजी, और ये आपके बैटरी है। अब देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर इसका जितना भी पूरा कंप्लीट डिटेल है वो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीटर, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मेजरमेंट कौन करता है, एमीटर करता है। और एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट, और इन द गिवन फिगर ए बल्ब एन एमीटर और ए बैटरी एंड ए की आर कनेक्टेड इन सीरीज वैन की और यहाँ पर जो की है उसको हमने, जो प्लग होता है उसको कैसे हमने इसको डिनोट किया है, इट्स टर्न ऑन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द बल्ब स्टार्ट्स बर्निंग, ये आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आपको क्या याद रखनी है, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। और ये नोट है, इस इम्पोर्टेंट नोट को आपको ज़रूर पढ़ना है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि इफ़ ए चार्ज क्यों फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, देन द इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन इज एक्सप्रेस एज फॉलो, और आई इक्वल क्या है आपके क्यू अपॉन टी, ये आपको याद रखना है, इसको हमने हाईलाइट भी किया है। उसके बाद में है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके, कहते SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलाम, यानी जो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, कोलाम होता है। और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इट इज नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर। और उसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको क्या याद रखनी है कि 1 एम्पियर क्या होता है, इन ए सर्किट इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड द करंट जनरेटेड इज 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पीयर की डेफिनेशन है। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव होता है, इसको हिंदी में विद्युत विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि द वर्क डन इन बर्निंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड
इज कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाई वी, इसको हम डिनोट करते हैं वी से। और ये इसका फॉर्मूला है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये इसका SI यूनिट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक जय खाटू श्याम जी नहीं लिखा है कमेंट बॉक्स में, तो सभी बच्चों को एक बार लिखना है। और जो SI यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो विद्युत विभव होता है, उसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट, ये आपको ज़रूर याद रखना है। जितने भी यूनिट हैं सभी के यूनिट याद रखने हैं आपको। और पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, विद्युत विभवांतर होता है, वो भी आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड बाय द वर्क दैट इट्स डन इन बर्निंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनोदर। और इसका फॉर्मूला भी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, और इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो दोनों का यूनिट है वो सेम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक वोल्ट यानी वन वोल्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन वेन वन कुलाम्ब ऑफ चार्ज फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज वन वोल्ट। और मेजरमेंट, ये जो नोट लिखा हुआ है, इस नोट को भी आपको याद रखना है कि मेजरमेंट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डन बाय वोल्ट मीटर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करते हैं। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सीक्वेंस, और इसको पैरेलल सीक्वेंस में इसको हम रखते हैं, यानी समांतर क्रम में इसको रखते हैं। उसके बाद में स्पेशल फैक्ट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसमें दो स्पेशल फैक्ट हैं। इसमें फर्स्ट है आपका द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। और दूसरा जो स्पेशल फैक्ट है वह कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो, तो आदर्श जो एमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो इसमें बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिए गए हैं, उनके साइम्बल दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक सेल का आप देख सकते हैं, जो बैटरी हैं और जो सेल कॉम्बिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं, ओपन प्लग देख सकते हैं जिसको स्विच कहते हैं, और क्लोज प्लग और जो बंद स्विच होता है उसको आप देख सकते हैं, वायर जंक्शन देख सकते हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट देख सकते हैं आप, और इलेक्ट्रिक बल्ब का देख सकते हैं, रेसिस्टेंट का देख सकते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेटर का देख सकते हैं, और करंट कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, और एमीटर वोल्टमीटर का देख सकते हैं। एमीटर वोल्टमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में ओम का रूल दे रखा है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आता है आपके। और अगर ओम का रूल सीधा नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसमें जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं अच्छे से। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं, वी इक्वल आई आर, ओके। यहाँ पर आई आपके करंट हैं, आर आपके रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वी आपके विभवांतर है, जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यह आपको याद रखना है। और वन ओम का डेफिनेशन है, ये भी आपको याद रखना है। वेरिएबल जो रेसिस्टेंस है ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रीम कंट्रोलर है वो भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। और ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, तो जो प्रतिरोध होता है वो कौन कौन से कारकों पर डिपेंड रहता है, तो ये भी, जिसमें लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और तीसरा है आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव, और उसके बाद में है रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंसेज, तो इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो कौन कौन से संयोजन से जुड़ा रहता है, तो इसमें एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसको श्रेणीक्रम बोलते हैं, और इसमें स्पेशल इफेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ये इसका सर्किट डायग्राम दे रखा है, और किस प्रकार से हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो उसके सारे फॉर्मूला दे रखे हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है यानी समांतर क्रम दे रखा है, इसका डायग्राम दे रखा है, और
इसमें टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और टोटल करंट कैसे निकालते हैं, तो सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। और जूल से हीटिंग लॉ दे रखा है, यानी जूल का तापन नियम दे रखा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यानी विद्युत शक्ति क्या होती है, इसका जो SI यूनिट है वो दे रखा है, जिसको हमने हाईलाइट किया है। इसके फॉर्मूला को भी हमने हाईलाइट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1 वाट की जो डेफिनेशन है वो भी याद रखनी है आपको। और इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। किलोवाट हाउस क्या होता है आपके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ कंप्लीट चैप्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्लीट चैप्टर, इसके कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।